हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो खेला जा रहा है ओडीआई श्रृंखला का थर्ड मैच, और ये जो मैच है वो सेम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहला मैच टीम इंडिया जीत चुकी है और दूसरे मैच की बात करें तो टीम इंडिया बुरी तरीके से हार चुकी है। अगर आप स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहता है स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशंस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि भाई जब वुमेंस क्रिकेट टीम का जब भी मैच हो, ठीक है, आप एक चीज़ मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 8-3 के कॉम्बिनेशन के साथ टीम बना सकते हैं, ठीक है, और वो टीम जो है हमेशा जो वुमेंस क्रिकेट टीम का अगर टीम बना रहे हैं तो वो एक बॉलिंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा टीम बनाइएगा रेदर दैन बैटिंग पर्सपेक्टिव से। अब आप देखिए यहाँ पे बॉलर और ऑलराउंडर मिला के आप देखिए कितने सारे प्लेयर हैं, 7-4 का कॉम्बिनेशन है भाई, 7-4 का कॉम्बिनेशन है बॉलर और ऑलराउंडर्स को मिला के। और टीम वाइज अगर हम बात करें तो दीप्ति शर्मा, राधा और ठाकुर, ये केवल 3 प्लेयर टीम इंडिया की जो है लास्ट के मैच में ड्रीम टीम में आई हुई हैं, बाकी जो है न्यूजीलैंड की तरफ से सारे के सारे प्लेयर्स हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्ट्रक्चर का, और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है कि स्कोर कितना बनेगा, ठीक है, स्कोर कितना बनेगा सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कि आपने बनाया है सोचा है कि 250 स्कोर बनेगा तो ये चेज होगा कि नहीं होगा। अब ये अगर चेज होगा यस, तो उसको चेस कौन करेगा, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज करेंगे या मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करेंगे, ये सब कुछ जो है अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो किसको विकेट मिल सकता है और कौन कौन बैट्समैन जो है वो फ्लॉप हो सकते हैं, ये सब कुछ जो है एनालिसिस करके बैठना पड़ता है। लोग बोलते हैं कि ये गैम्बल है, ये जो है आदमी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। भाई बर्बाद हो गए क्यों होगे, क्योंकि आप ये इस तरीके से सोचते नहीं हो। अगर ये वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, शुरू से लेके लास्ट तक देखना, बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए आज के मैच में। स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड स्ट्रक्चर के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पिच है वहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न क्या है, कितना रन बनता है, लास्ट के कुछ मैचेस में कितने रन बने हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेडिक्शंस करनी शुरू करनी होती है, प्रेडिक्शन बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है। फिर बाद में आता है कि कौन कौन से प्लेयर्स को लूँ, तो प्लेयर्स को लेने से पहले ऐसा कभी नहीं आप सोच सकते हैं कि भाई इसको ले लेंगे तो ये चलेगा ही चलेगा। उसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा कि उनका रिसेंट फॉर्म क्या है, ठीक है, उनका जो है हेड टू हेड फॉर्म क्या है, उनका जो है वेन्यू पे फॉर्म क्या है, ठीक है, ये सब कुछ तीनों चारों चीजें जब आप कंबाइन करेंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर्स जो होंगे जो ट्रंप प्लेयर होंगे, ठीक है, ट्रंप प्लेयर का मतलब 3 से 4 प्लेयर ऐसे आपको टीम में चाहिए ही चाहिए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, जिनको बहुत कम लोगों ने लेके चल रहे हैं, उनको अगर आपने अपनी टीम में रखा है डेफिनेटली आप जो है ड्रीम टीम का पार्ट बनेंगे। ये मेरी श्योरिटी है, ये कोई गैम्बल नहीं है, यहाँ पे प्योर स्किल का गेम है। तो आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ आपका भाई बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो के नीचे यहां पे मोर का ऑप्शन दिखेगा, मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे 2 टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा आपको, 2 टेलीग्राम के किसी भी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली जो है इसी मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। और ये चीज़ मैं बता दूं कि भैया बहुत ज़्यादा फेक चैनल्स बन चुके हैं, तो किसी और कोई और माध्यम नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने का, केवल और केवल यही माध्यम है। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ GLSL की टीम, साथ ही साथ ये देखिए पिच रिपोर्ट और वेदर का क्या कंडीशन है, वेदर क्या किस तरीके से खेल रहा है, ये सब कुछ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। और जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है टीम बनाने में, टीम को समझने में, ठीक है, उनकी कोई क्वेरीज है तो वो डायरेक्ट मुझे फेसबुक पेज पे और जो है इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करके डायरेक्ट DM कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ का ग्राउंड का स्टैट्स क्या बोलता है।
तो ग्राउंड के स्टैट्स में अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल जो है यहाँ एक बैटिंग साइड विकेट देखने को मिली है, एवरेज स्कोर 200 का है, हाईएस्ट स्कोर 259 रन है और लोवेस्ट स्कोर 96 रन 10 विकेट के नुकसान पे है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे कि 6 मैच में 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और एक बार केवल मात्र बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती हुई है, तो इतने ज़्यादा ऑड हैं। अगर ऑड के खिलाफ आप अपनी टीम बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको लॉस तो होगा, लेकिन हो सकता है कि रिस्क है। मतलब अगर देखिए, स्ट्रेटजी सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी और वो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं यही सब डेटा को देख के बनाना पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या बनाया भैया, 200 का एवरेज रन स्कोर है, यानी मैंने मान के चला है कि 230 या 240 रन बनेगा, ठीक है। इस मैच में अगर मैं टीम बनाता तो यही सोचता कि 230 या 240 का रन बनेगा, डेफिनेटली जो है उतना रन बना ही है लास्ट के मैच में, है ना। अब दूसरी चीज ये है कि कौन रन बनाएगा, तो सूफी डिवाइन रन बनाएगी क्योंकि 3-4 मैच से वो लगातार चली नहीं थी, सूजी बेट्स रन बनाएंगी क्योंकि वो 3-4 मैच से लगातार चली नहीं थी। तो ये सब देखने की जरूरत है आपको, बिना देखे हुए आप जो है टीम अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली लॉस में जाएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ आ दूंगा। बाकी अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 199 के नीचे मैच 2 बार रन बना हुआ है, 6 मैच में 2 बार रन 199 से कम बना हुआ है, बाकी हर बार आप देखिए एवरेज स्कोर के अराउंड ही रन बनता है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 से 249 के बीच में 2 बार, 250 से 299 के बीच में 2 बार रन बन चुका है। वहीं अगर लास्ट के मैचेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सूजी बेट्स 58 रन, ठीक है, प्लेमर जो है 41 रन की बेहतरीन इनिंग, उसके बाद सूफी डिवाइन भाई जबरदस्त फॉर्म में दिखी, मॉडी ग्रीन बहुत ही अच्छा खेली। अब इसमें सूफी डिवाइन ने देखिए 3 विकेट भी लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ताऊग 3 विकेट मिला है, जेस कैर को 2 विकेट मिला हुआ है और ईडन कासन को 2 विकेट मिला हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो राधा यादव को 4 विकेट मिला हुआ है भाई, और उन्होंने जो है रन भी बनाया हुआ है 48 रन, ठीक है। यानी अगर राधा यादव को जो है कैप्टन अगर आप किए होंगे लास्ट के मैच में तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, चाहे वो एसएल हो, जीएल हो या हेड टू हेड हो। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है जब भी आप जो है अपने लिए टीम बना रहे हैं तब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे खेले गए कुछ मैचेस की, तो लगभग यहां पे देखिए सारे ही मैचेस में आप देखिए ये मैच हर एक मैच जो है अराउंड एवरेज स्कोर के अराउंड बनता हुआ दिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 154 है, इस मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह आपको दिखेगा। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ ये है कि हम हमेशा बात करते हैं जब भी वुमेंस क्रिकेट टीम का मैच होता है वहाँ पे हम बात करते हैं कि भैया जो है आप स्पिनरों को अपने टीम में रखिए। तो यहाँ देखिए 7 विकेट स्पिनर, यहाँ 2 विकेट स्पिनर, यहाँ 4 विकेट स्पिनर, यहाँ 6 विकेट स्पिनर, यहाँ 5 विकेट स्पिनर, यहाँ 8 विकेट स्पिनर। तो डेफिनेटली स्पिनर्स को आपको टीम में रख के जाना है, इस स्लाइड से ये कंक्लूजन निकल के आता है। एवरेज स्कोर रन आपको मैंने बता ही दिया कि कितना कितना बनेगा। बाकी हेड टू हेड मैचेस की अगर हम बात करें तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 56 मैच खेला गया है, जिसमें से 25 बार टीम इंडिया जीती है और 30 बार न्यूजीलैंड जीत के जा चुकी है, यानी न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है या भारी है कुल मिला के। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो शेफाली और मंदाना ओपन करने आती हैं। मंदाना लगातार 2 मैच से फ्लॉप चल रही है, इस मैच में भरपूर चांस है कि ये कुछ ना कुछ करके जाएंगी। यास्त्रिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर और जमीमा रोड्रिक्स, ठीक है, यानी नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 की खिलाड़ी हैं। नंबर 6 पे दीप्ति शर्मा, नंबर 7 पे तेजल, नंबर 8 पे जो है साइमा, नंबर 9 पे राधा यादव और अरुंधति रेड्डी, नंबर 10 पे और प्रिया मिश्रा नंबर 11 पे आने वाली हैं। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, कन्फर्म प्लेइंग 11 मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। और आइए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैट्स, तो शेफाली वर्मा का देखिए 57% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है, ठीक है। अब शेफाली यहाँ पे रीसेंट फॉर्म देखिए 11-33, लगातार 2 मैच से यहाँ पे फ्लॉप जा रही है, ठीक है। वेन्यू पे देखिए 22 का एवरेज है, ठीक है, और हेड टू हेड में देखिए 20 का एवरेज है। यानी जीएल के टीम में आप इनको ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे ये टोटली डिपेंड करता है कि इनका रीसेंट फॉर्म क्या कह रहा है, ठीक है। अब रीसेंट फॉर्म बोला कि लगातार 2 मैच से फ्लॉप हो चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि ये कल के मैच में चलेंगी। मंदाना का देखिए लगातार ये 2 मैच से फ्लॉप हैं, ठीक है,
यानी इस मैच में बहुत ज़्यादा चांस है कि मंदाना जो है जीएल में जो है चलने वाली हैं, क्योंकि लगातार ये तीन मैच देखिए भैया, तीन मैच में इनका जो है 75 का एवरेज है इस सीजन में, 75 का एवरेज, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना तगड़े फॉर्म में है। तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करके जाइएगा। यास्का भाटिया 73% लोगों ने रखा हुआ है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर इनको ट्राई नहीं कर रहे हैं तो हरमनप्रीत कौर को ट्राई करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको लाभ होने वाला है। जमीमा रोड्रिक की बात करें तो 3-4 मैच से लगातार फ्लॉप जा रही है, 20% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में मैं इनको ट्राई करके जाने वाला हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ कन्फर्म तरीके से। दीप्ति शर्मा लास्ट के मैच में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट सेफ पिक है, 97% लोगों ने रखा हुआ है। तो बिना दीप्ति शर्मा के तो लोग टीमें नहीं बनाएंगे, फिक्स प्लेयर हैं आपके। बाकी अगर तेजल की बात करें तो अभी तक 2 मैचेस खेला हुआ है, लास्ट के मैच में 15 रन बनाया था, उसके पहले मैच में 42 रन है, वेन्यू पे 28 का है, हेड टू हेड में 28 का है, 7% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। जीएल की टीम में अगर हरमनप्रीत भी आपकी टीम में है, मंदाना भी टीम में है, जमीमा रोड्रिक भी टीम में है, तो भैया तेजल को मत लीजिएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो तेजल को आप ट्राई करके जा सकते हैं। साइमा ठाकुर की बात करें तो लास्ट के मैच में 1 विकेट है, उसके पहले मैच में 2 विकेट है, 25 रन भी बनाया हुआ है, 56% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं, हेड टू हेड और मिनी जीएल में तो बिल्कुल करिएगा। राधा यादव का परफॉर्मेंस भैया 48 पे 4, 93% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में मैं इनको ट्राई नहीं करने वाला हूं। मैं चार टीम में से, मैं पहले बता दे रहा हूं, चार टीम में से दो टीम में इनको ट्राई कर सकता हूं, अदरवाइज मैं मतलब मान के चलिए एक टीम में इनको ट्राई कर सकता हूं, तीन टीम में इनको ट्राई नहीं करने वाला हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है, ठीक है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना है तो आप इनके साथ जाइएगा, अदरवाइज जो है मैं इनको प्रेफरेंस नहीं देने वाला हूं कि आप इनको ट्राई कर से करके जा सकते हैं। अरुण दत्त रेड्डी की बात करें तो लास्ट के मैच में 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, राइट एंड फास्ट बॉलर है, 14% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। जीएल की टीम में ऐसे प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको भरपूर चांस मिलता है और उनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, कम है, तो ऐसे प्लेयर को आप भी अपनी टीम में जरूर रखिएगा। प्रिया मिश्रा की बात करें तो लास्ट के मैच में भाई डेब्यू हुआ था और 1 विकेट लिया हुआ है, 1% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, तो जीएल की टीम में अगर आपको ट्राई करना है तो आप इनको कर सकते हैं। ये रहा बेंच स्ट्रेंथ, हेमलता, साइमा और जो है आपकी साइली, ये बेंच स्ट्रेंथ पे हैं, बाकी कोई चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो लास्ट के मैच में अमिलिया कर को चांस नहीं मिला हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था न्यूजीलैंड के टर्म्स में, लेकिन सब कुछ कसर जो है भैया सूफी डिवाइन ने निकाल दिया है ना। सूजी बेट्स और जो है प्लेमर आती हैं ओपन करने के लिए, ये T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, इस मैच में भी देखा है, डाउन आती हैं, उसके बाद जो है डिवाइन आती हैं, उसके बाद हॉलीडे आती हैं, मैडी ग्रीन आती हैं, उसके बाद इजाबेल आती हैं, कार्सन आती हैं, जॉनस आती हैं, ताहू और जेकर आती हैं, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। कन्फर्म प्लेइंग 11 मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो डेफिनेटली जाके भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं सब कुछ आपके लिए फ्री में करता हूँ। बाकी अगर हम बात करें बैटिंग सेक्शंस की स्टैट्स के बारे में तो 88% लोगों ने जो है इनको टीम में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 58 लास्ट के मैच में बनाया था, उसके पहले में एक रन और 1 विकेट है, उसके पहले में 24 रन, फिर 5 रन, फिर 16 रन, फिर 1 रन, 6 रन, 1 विकेट और 28 रन, 2 विकेट। तो आजकल ये बॉलिंग भी करने लगी हैं, ये याद रखिए है ना। अब बॉलिंग की बात करें तो 2 मैच में 29 का एवरेज है, 59 रन दिया हुआ है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन होंगी जो है अगर ये बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से पॉइंट देके जाएंगी। प्लम्बर की बात करें तो 66% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में मैं प्लम्बर को जो है ड्रॉप करके जाने वाला हूँ आज के मैच के लिए। लॉरा डाउन की बात करें तो भाई ये इनका फॉर्म 3-4 मैच से चला नहीं है, 4% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, तो ये है आपकी जो है ट्रम्प प्लेयर, ठीक है, ट्रम्प प्लेयर है भैया, इनको आप ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सूफी डिवाइन लास्ट के मैच में 79 रन, 3 विकेट भी लिया हुआ था, उसके पहले 2 रन, 0 विकेट है, 43 रन, 0 विकेट है, 28 रन, 0 विकेट है, 13 रन, 0 विकेट है, 93% तो लोगों ने अपनी टीम में रखा हुआ। मैं जो है जीएल की टीम में इनको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ कल के मैच के लिए, ये तो क्लियर है। ब्रुक हॉलीडे की बात करें तो कुछ मैचेस से इनकी पारियाँ कुछ खासा है नहीं, 39% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में आप भी इनको ट्राई करके जा सकते हैं।
मैडी ग्रीन की बात करें तो लास्ट के मैच में अच्छी पारी खेली थी, उसके पहले 31 रन, फिर 5 रन, 30 रन, फिर 2 रन, 48% लोगों ने इनको टीम में रखा हुआ है। जीएल की टीम में आप भी इनको ड्रॉप करके जा सकते हैं। इजाबेल की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन है, 7% टीम लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में मैं भी इनको ट्राई नहीं करने वाला हूँ। कार्सन की बात करें तो ये एक सेफ पिक है, हर एक मैच में लगभग दो दो विकेट लेती हैं, तो जो है 88% लोगों ने टीम में रखा हुआ, आप भी रख के जा सकते हैं। जोनस की बात करें तो 7% टीम लोगों ने टीम में रखा हुआ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जीएल की टीम में अगर आप इनको लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 5 टीम बनानी है भैया, एक टीम में ज़रूर इनको रखिएगा, और जिस भी टीम में अगर रख रहे हैं उसमें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये कन्फर्म बोल रहा हूँ कि अगर ये 3 से 4 विकेट ली, जो कि चांसेस हैं इनके 3 से 4 विकेट लेने के, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। ताऊ की बात करें तो लास्ट के मैच में 3 विकेट, अब देखिए ताऊ की प्रेडिक्शन बिल्कुल मेरा क्लियर था कि 3 विकेट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 विकेट आया हुआ है, 1 विकेट आया हुआ है, ठीक है। तो लगातार 2-3 मैच से तो फ्लॉप चल रही है, यानी डेफिनेटली जो है इस मैच में इनके चांसेस बनते हैं विकेट लेने के, तो इस वाले मैच में जीएल की टीम में मैं इनको ड्रॉप करके जाने वाला हूँ। 52% लोगों ने टीम में रखा है इनको। जस्कर की बात करें तो ये एक सेफ पिक होने वाली है, दो विकेट लास्ट के मैच में लिया था, 3 विकेट उसके पहले, उसके बाद 3 विकेट 2 विकेट चलता रहता है सिनारियो। 76% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, जीएल की टीम में आप इनको भी ले के जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इनकी बेंच स्ट्रेंथ की, तो ये रही बेंच स्ट्रेंथ, आप एक बार जो है मौली, हना और जो है पॉली, ये बेंच स्ट्रेंथ पे हैं इनके, एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जब भी अगर कुछ अपडेट होगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर टीम्स की बात करें तो ये मैंने कुछ टीमें बनाई हैं जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हैं, ठीक है। और उन टीमों में आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर सेक्शन से मैंने यास्रिका भाटिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कंपेयर टू द ग्रीन के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ मंदाना को रखा हुआ है, हॉलिडे और शेफाली वर्मा, ठीक है। आप स्मृति मंदाना और रोड्रिगेज मंदाना को ट्राई करके जा सकते हैं यहाँ पे, वर्मा की जगह, शेफाली वर्मा की जगह रोड्रिगेज को जरूर रखिएगा। हॉलिडे और डाउन को भी रख सकते हैं, हॉलिडे को रख सकते हैं, यहाँ पे भी हॉलिडे को मैं रख के जा सकता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने सूजी बेट्स और डिवाइन लोग रख रहे हैं, आप मत रखिएगा, ठीक है। ये दोनों को नहीं रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर रख भी रहे हैं तो आप जो है बेट्स के साथ जा सकते हैं, डिवाइन के साथ बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। इस वाले में भी डिवाइन के साथ नहीं जाइएगा, इस वाले में भी डिवाइन के साथ बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जा रहे हैं, आप मत लेके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हरमनप्रीत कौर के साथ जा सकते हैं, दीप्ति शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, राधा यादव को आप ड्रॉप करके चलिए, ठीक है। साइमा ठाकुर के साथ जा सकते हैं और कर्सन के साथ जा सकते हैं, इट इज़ द गुड ऑप्शन, ठीक है। फिर हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा यहाँ पे आ गए, राधा यादव को ड्रॉप करना है किसी भी कीमत पे, राधा यादव को ड्रॉप करना है, और एक जो है आपको बॉलर अपनी टीम में इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके की टीम को आपको बना के चलना है, जो टीम आपको दिख रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे हर एक चीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, और मुझे दीजिए इजाजत इस वीडियो में। जय हिंद।